हे हेलो यार, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रैक मेडिको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग को बता दूँ, आज की वीडियो जो है वो टोटल डिस्कशन है, जिसमें हम लोग फॉर्म फिलअप के बारे में डिस्कशन करेंगे, है ना, ताकि आप लोग को नीट का फॉर्म फिलअप करने में कोई भी मिस्टेक ना हो, बिना मिस्टेक के आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप करें। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करो उसके पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और मैं फिजिक्स का वन शॉट रिविजन वीडियो की सीरीज़ में डाल चुका हूँ, तो आप लोग जो है प्लीज़ किसी ने अगर नहीं देखी हो तो इस वाले लिंक पर आप लोग जाएंगे, आप तो लोग को सीरीज़ का वन शॉट रिवीजन का मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। ओके, सो वीडियो को स्टार्ट करो उसके पहले सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से आप लोग फॉर्म फिलअप करिए, कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। सो उसके पहले जो है कुछ इन्फॉर्मेशन है। पहली चीज़ ये कि आप लोग का रजिस्ट्रेशन कल से स्टार्ट हो चुका है और 1 जनवरी 2020 तक जो है पूरा पेमेंट के साथ जो है सारा कुछ कम्प्लीट रहेगा, है ना। और आप लोग का जनरल कैटेगरी के लिए 1500 रुपये का फॉर्म है, ओबीसी कैटेगरी के लिए 1400 रुपये का, और एससी एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 800 रुपये का फॉर्म है। पेपर पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का ही पेपर है। आपका एग्ज़ाम 3 मई को होना है 2 से 5 PM के बीच में। ओके, सो और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जिसको भी फॉर्म के बारे में कन्फ्यूजन हो तो वो अच्छे से यहाँ से देख सकें, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कैसे क्या प्रोसेस होना है। उसके पहले जो है जैसे यहाँ पे जो लिंक मैंने यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों को ऊपर जो दिख रहा है आपको, है ना, इस लिंक को आप इंटर करेंगे तो आप लोग रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पेज पे चले जाएंगे। नीचे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन तो फर्दर पेज ओपन होगा, है ना। उसके पहले जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ 5 चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो आप लोग को ध्यान रखनी है, क्योंकि ये 5 चीज़ें जो है एक बार जो आपने फिल कर दिया वो बाद में आप लोग करेक्ट नहीं कर सकते हैं। पहला चीज़ आपका जेंडर, दूसरा कैटेगरी यानी कि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं, एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो ये बहुत श्योरिटी के साथ आप लोग को फिलअप करना है। तीसरी चीज़ आती है नेशनैलिटी, आप इंडियन हैं या फिर NRI हैं। चौथा स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी यानी कि किस स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं। और पाँचवा आप PH कोटा में आते हैं कि नहीं आते, यानी कि फिजिकली डिसेबल हैं या नहीं है। तो ये 5 चीज़ें जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से जो है फिलअप करनी है, क्योंकि एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोग इस चीज़ को करेक्ट नहीं कर सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट आप लोग करते हैं। तो जैसे आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन वाले फॉर्म पे जाएंगे तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपका फर्स्ट नेम यानी जो भी आपका नेम है, जो भी आपके मामा, जो भी आपके मदर नेम है, फादर नेम है, वो सारे अच्छे से आपको 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिलअप करने हैं। फिर यहाँ पर आपको कैटेगरी फिल करनी है, कौन सी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। फिर फिजिकली हैंडीकैप के बारे में बताना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। फिर यहाँ पे आप लोग को एक कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ का जाके सिलेक्शन करना है। यहाँ पे मैंने आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है। आपको ऑप्शन में वोटर आई कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड के बारे में भी दिया होगा, उसमें कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आप लोगों की ये वाली। ओके, सो यहाँ पर जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भी आपका कॉन्टेक्ट नंबर है या भी जो भी आपका मोबाइल नंबर है, है ना, ये दोनों चीज़ें जो है आप लोगों की बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, है ना। इसमें कोई भी जो है आप लोगों का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसी पे जो है आप लोगों का OTP जाएगा और उस OTP से आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आगे प्रोसीड होगा। फिर आपको यहाँ पे रिव्यू एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपका रिव्यू एंड पेमेंट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेज ओपन होगा, इसमें आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑलरेडी ये सारी चीज़ें टिक हैं, ऑलरेडी आप लोग के लिए अनटिक होंगी, इनको आपको टिक करना है। टिक करने का मतलब है कि आपने पूरी डिटेल चेक कर ली है और बिना किसी मिस्टेक के सही है। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आप लोगों का ये पेज ओपन होगा। इस पेज में जो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया था कि OTP आपका जाएगा तो 15 मिनट के लिए OTP वैलिड होता है, यहाँ पे वो आपको OTP डालना है। पासवर्ड यहाँ पे डालना है, तो पासवर्ड के लिए क्राइटेरिया ये है कि आपका एक फर्स्ट कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, अल्फा न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक फॉर्म में पासवर्ड जनरेट किया हुआ है और ये आपका क्वेश्चन जो है सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है। और इसमें जो सिंपल सा आप डाल सकते हैं फेवरेट सब्जेक्ट, वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। जैसे ही आपका यह प्रोसेस हो जाएगा सबमिट पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक नीट का एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा जो आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे भी और मोबाइल नंबर पे भी भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है इस रजिस्ट्रेशन नंबर की हेल्प से आप लोग लॉगिन करेंगे तो ये पेज ओपन होगा और इसमें आपको देख रहा है कि 4 स्टेप्स जो आप लोग को करने हैं। पहला आपको अप्लाई करना है, फिर अपलोड करने डॉक्यूमेंट, फिर पेमेंट करने और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट लेना। जैसे आप लोग अप्लाई ऑनलाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आप लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या नहीं है, तो इस तरीके का जो है आप लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि पूछा गया क्वेश्चन पेपर का मोड कौन सा रखना है, ना किस लैंग्वेज आपको पेपर देना है, हिंदी, इंग्लिश, असम, गुजराती, तमिल, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा,
है ना। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से उसको देखिएगा। अदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर्म फिलअप करने में, वो ये कि यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन आपको सेलेक्ट करना है सेंटर, एक बार आपने जो सेंटर सेलेक्ट कर लिया वो आप बाद में पेमेंट के बाद उसको करें नहीं कर सकते हैं। तो इसको आप लोग अच्छे से ध्यान से फिलअप करिएगा। उसका जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है ये बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि सब्जेक्ट कोड कौन सा फिल करना है। तो मैं आपको लोग क्लियर कर दूँ कि कोड नंबर 1 जो है उन बच्चों को फिल करना है जो इस साल अपीयर हुए हैं, जो 12th में हैं, है ना। कोड नंबर 2 जो है उन लोगों को फिल करना है जो पास आउट हो चुके हैं 12th, या फिर जिन्होंने कोई भी फर्दर एकेडमिक कोर्स नहीं किया, यानी किसी ने ग्रेजुएशन नहीं किया है, या जो ड्रॉपर है, वो सारे लोग जो है कोड नंबर 2 फिल करेंगे। कोड नंबर 5 जो है, कोड नंबर 5 उन लोगों को फिल करना है जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, और कोड नंबर 6 उन लोगों को फिल करना है जो बीएससी पास कर चुके हैं। ओके, उसके बाद जो है आपको अदर जो स्टेप करने हैं वो एकेडमिक डिटेल आपको फिल करना है, आपका 10th 12th का जो है डिटेल पूछेगा वो फिल करने हैं, फिर डॉक्यूमेंट आप लोग को अपलोड करने हैं, आपका पासपोर्ट, आपका फोटोग्राफ, सिग्नेचर, थंबनेल, ये सारे डालना है आपको। एक बार उसके बाद सारा डिटेल करने के बाद आपको फॉर्म रिव्यू करना है, रिव्यू करने के बाद आप लोग को पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद जो है आप लोग को कन्फर्मेशन पेज मिलेगा, उसको आप लोग को रखना है। ओके, सो इन सारे प्रोसेस में किसी को कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछें सॉरी और बिना मिस्टेक के आप लोग फॉर्म फिलअप करें। कोई भी इस चीज़ का वेट नहीं करेगा कि जैसे नहीं करेक्शन आएगा तो हम करेंगे, करेक्शन को आपको नहीं वेट करना है। और जो भी फॉर्म फिलअप के पहले जो है मैंने आप लोग को बताया हुआ है ना, ये प्रोसेस जो है आप लोग को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि पाँचों चीज़ जो है आपकी कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, और जो भी डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ लें। ओके, थैंक्स टू ऑल। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।